नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रही मीडिया टुडे टीवी। नागोर्नो काराबाग में शांति समझौते की निगरानी के लिए रूस के बाद अब तुर्की ने भी अपने शांति सैनिक अजरबैजान भेजना शुरू कर दिया है। अजरबैजान के साथ युद्ध हारने के बाद आर्मेनिया की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। आर्मेनिया में अभी भी लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। इसी के दरमियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान पर जानलेवा हमला भी हो चुका है, क्योंकि आर्मेनिया के लोग अजरबैजान के हाथों मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री द्वारा अजरबैजान के सामने किए गए सरेंडर से जनता काफी नाराज है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये लड़ाई अब किसी भी हाल में फिर से शुरू हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि आर्मेनिया की सेना हार मान चुकी है और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। ऊपर से तुर्की और रूस का जबरदस्त दबाव है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की ने खुले तौर पर आर्मेनिया को चेतावनी दे रखी है कि अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो आर्मेनिया का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पहले रूस ने अपने शांति सैनिक लड़ाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए, अब तुर्की ने भी अपने शांति सैनिक काराबाग में भेजना शुरू कर दिया है ताकि इस समझौते की रक्षा की जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने ये कदम इस समझौते को बचाने के लिए उठाया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में रूसी अधिकारियों के साथ 2 दिन की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। इन सैनिकों की तैनाती 1 साल के लिए की जाएगी। ये क्षेत्रों में लाभ और कल्याण के लिए काम करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले रूस 2000 शांति सैनिकों के साथ साथ बख्तरवंद वाहन और सैन्य उपकरण काराबाग में तैनात कर चुका है और अब तुर्की ने अपने सैनिक अजरबैजान भेजना शुरू कर दिया है। युद्ध विराम को कंट्रोल करने के लिए एक शांति केंद्र बनाया जा रहा है। समझौते के मुताबिक केंद्र अजरबैजान में मौजूद है। अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने 41वीं कमांडो बी ग्रेड अवार्ड सेरेमनी में बोलते हुए दुनिया को तुर्की की फौज की ताकत से आगाह कराया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुर्की की किसी भी फौज का झंडा जमीन पर नहीं गिरा जब तक उसका आखिरी सिपाही शहीद ना हो गया हो। तुर्क फौज का हर सिपाही जीत के जज्बे और उत्साह से भरपूर होता है। 1000 सालों के इतिहास में हमारे पूर्वजों ने इसी जज्बे के साथ अनगिनत फतेह हासिल की। उन्होंने कमांडो यूनिट को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने फतुहात के जरिए ये साबित कर रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों के संतान हैं। मुझे मालूम है कि ऐसी फौज में कमांडर इन चीफ से बढ़कर ना ही कोई ओहदा होता है और ना ही कोई सम्मान। ये अपने आप में एक सम्मान की बात है। तुर्क फौज का हर सिपाही हमारी हर जीत का भागीदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे कमांडो हमारी देश की जनता में एक खास मुकाम रखते हैं, जो इतिहास में हमेशा पहली कतार में लड़ते आए हैं और पूरी दुनिया के सामने साबित किया है कि मौत को खौफजदा करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी कोई तुर्की की तरफ गलत मंसूबे रखता है, उन्हें तुर्की के कमांडो का सामना करना पड़ेगा और उनके हाथों नेस्तनाबूत होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ एर्दोगान ने तुर्की समेत दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने के लिए फौज की कामयाबी के लिए दुआ की है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।